हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम। तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पर आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन। तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीस। ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सो डाउनलोड नाउ एंड एंजॉय योर अर्निंग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो थोड़ी देर पहले मैं स्विमिंग से वापस आ चुकी हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ रखी है। अब ये सब्जियाँ जो है अरेंज करनी है। यहाँ पे दोपहर का राइस कुकर जो खाली हो गया है वो और प्लेट रखी है। तो पहले इनको मैंने सारे जो है पत्ते वाली सब्जी सारी ख़त्म हो गई थी। तो जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, एंड दाल में रोज़ हमारे घर में जो है दाल बनती है क्योंकि इनको पक्का चाहिए चाहिए। तो दाल में जो है हर एक दिन अलग अलग पत्ते वाली सब्जी डालने से अलग अलग टेस्ट आता है। हम बाड़ी के पत्ते लिए हैं, पालक लिया है, उसके अलावा दो वैरायटीज और लिए हैं, नाम सबके मेरे को मालूम नहीं है, और उसके अलावा रेगुलर वेजिटेबल्स जो हैं वो लिए हैं। तो अरेंज कर लेते हैं इनको, कड़ी पत्ता, धनिया, थोड़ा थोड़ा जो वेजिटेबल्स है ना, जब शॉप पे ख़रीदते हैं तभी एक साथ जो है अलग अलग कवर ले जाके डलवा लो तो बेटर रहता है। ये तो मैंने रेड़े वाले भैया आए थे नीचे, उनसे लिया था मैंने, तो वो क्या है एक ही कवर में पूरा डाल के देते हैं, उसके बाद फिर हमको बैठ के सॉर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ख़रीदने के लिए तो मैं 10 कवर लेके जाती हूँ अलग अलग, ताकि डायरेक्ट उसमें डाल दें और फिर मैं घर में आके सीधा उसमें रखूँ। लेकिन अभी सेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं चलो। तो ये सब्ज़ी अरेंज करना किस किस को अच्छा लगता है और किस किस को अच्छा नहीं लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ये काम। ऐसा लगता है कि कोई और कर दे तो बेटर है, लेकिन हर कोई इतने ऑर्गेनाइज से रखता नहीं है, दोबारा करना पड़ता है, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर ये 3 बास्केट है एंड मैं पहले तो कवर्स लेके आ गई कि अगर सब्ज़ियाँ ज़्यादा हुई, अगर बास्केट में डालने के बाद भी थोड़ी बहुत कुछ बच जाती है तो वो मैं कवर्स में डालूँगी करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ एंड टमाटर वाले उसमें अगर आप दूसरी चीज़ें ना रखें तो बेटर है, क्योंकि अगर टमाटर पकते हैं उसके ऊपर आप कोई हैवी आलू वालू या कुछ और रखेंगे तो वो दब के ख़राब हो सकते हैं, इसलिए सेपरेट बास्केट में टमाटोज को रख लीजिए। एंड मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो है कुछ जो है जल्दी ख़राब होती है वो पाव के जी बोलते उतनी लिए एंड बाकी सारी आधा के जी ऐसे लिए। तो जो भी फ्राई होते हैं वो मैं पाव के जी लेती हूँ, और रेगुलरली बहुत ज़्यादा आधा के जी, 1 के जी ऐसे टमाटर और प्याज के अलावा कुछ नहीं खरीदती हूँ, बाकी सब पाव के जी खरीदती हूँ क्योंकि फ्रेश रहती है, जब का तब लेके हम लोग फ्रेश बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी भिंडी, थोड़े बैंगन ये सब लिए, और ये सारे इतने सारे वेजिटेबल्स लेते हैं और 3 दिन में या 2-3 दिन में पूरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सुबह 2 चीज़ बनाते हैं फिर शाम को 1 बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ पता ही लगता है कि 2-3 दिन में फिर सब्जियां ख़त्म और फिर ले लो रेडी से और फिर अरेंज करो। तो ये दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड जो कड़ी पत्ता है मैं इस वाले डब्बे में डालती हूँ और उसका जो लिड है वो लगा देती हूँ, उससे क्या होता है कड़ी पत्ता हमेशा फ्रेश रहता है। एंड पहले मैं सारे वेजिटेबल्स धो के रखती थी, पर धो के रखने की वजह से थोड़ी सी वेटनेस भी अगर होती थी या बच जाती थी अगर मैं उसको सुखाने के बाद भी, तो सब्ज़ियाँ जो है जल्दी ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैं ओनली बनाते टाइम ही अब धोती हूँ, पहले से नहीं धो के रखती हूँ। तो एक में मैंने जो है कड़ी पत्ता डाल दिया बॉक्स में, कड़ी पत्ते को धो के डालने से पूरी ख़राब हो जाती है, 2 दिन में ही ख़राब हो जाती है, लेकिन ड्राई आप उसकी जड़ें काट के रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होती है। तो मैंने एक कवर में पूरे जो है पत्ते की सब्ज़ियाँ रख दी है और
दोनों बॉक्सेस में कड़ी पत्ता और ये, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले आइटम्स हैं। एंड उसके अलावा ये अंबाड़े के, ये जो मैं अभी अलग से कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते टाइम काटना हो तो और आलस आता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो मैं कर रही हूँ। क्योंकि स्विमिंग से आने के बाद मैंने पहले बच्चों को खाना खिला दिया था। सी, इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है सबको। एंड जो अंबाड़े के पत्ते हैं वो भी काट के इसमें डाल दिए, एंड बाकी लीफी वेजिटेबल इस कवर में रखें, जिसमें कड़ी पत्ता है, इसमें धनिया है, एंड बाकी सारे वेजिटेबल्स आपको दिख ही रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं आलू को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जब बाहर रखती हूँ तो उसमें वो जो जड़ें आनी शुरू हो जाती है अगर थोड़ा मैंने डिले किया तो, इसलिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ ये भी। सो सी हाउ ऑर्गेनाइज इट इज़ लुकिंग। सो आप भी ऐसी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। पहले मैं कवर्स में करती थी ये सब्जियां सारी भी, लेकिन उसके बाद मैंने डी मार्ट से ये बास्केट्स लिए थे, एक और बास्केट मैंने लेनी है, मैंने ली नहीं, मैं गई नहीं उसके बाद। तो ये काफ़ी अच्छी है आपके फ्रिज को आप सब्जियों के अलावा भी बाकी आइटम्स भी इसमें रख के बाकी सब कुछ भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस वन सी। और अभी मैं फ्रिज में भी बास्केट्स रख दे रही हूँ, तो जैसे आपको बास्केट में दिख रहे हैं, फ्रिज में भी पूरा स्पेस जो होता है टब में आराम से वहाँ आ जाते हैं, और हमेशा जो है कितना भी आप कैसे भी निकाल लो जल्दबाजी में, वो सेग्रीगेटेड ही रहते हैं, ऑर्गेनाइज ही रहते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर वेजिटेबल्स। एंड इसी दौरान मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फ्रिज के उस साइड खड़े होकर बातें कर रहे थे। एंड नाउ टी टाइम, तो चाय भी बन चुकी है, उबाल आ चुका है, एंड चुस्की ले ली जाए। एंड सारा सब कुछ काम हो चुका है, एंड मैं रात को ये शीट मास्क इसके लिए लगा रही हूँ कि मैं एक्चुअली आपसे सामने से बात करके बताना चाहती थी, आई गॉट अगेन अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो जिसके लिए मैं थोड़ा अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ अभी। तो उस दिन भी जब अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे उस दिन भी मैंने सुबह सुबह ही लगाया था, आज तो मैं रात को लगा रही हूँ ये शीट मास्क। ये कुकुम्बर वाला है जो मैंने लगाया है अभी, अगर कुकुम्बर वाला आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक। तो वो क्या स्पेशल है, चीज़ है या क्या है, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट सरप्राइज़, अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह उठते ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलो, नींद में डोलते डोलते जाओ, एंड दूध के पैकेट लाओ और चढ़ाओ। सो सुबह के टाइम पे वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसे ही सुबह इतनी जल्दबाजी रहती है और ऊपर से वीडियो शूट करना है तो लगता है भाई काम करें कि वीडियो शूट करें, इसलिए बहुत बारी जो है मैं मॉर्निंग रूटीन शूट नहीं करती हूँ। लेकिन आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैं मॉर्निंग रूटीन शूट कर रही हूँ, तो एवरीडे मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। सब्जियाँ अलग होती है या सब कुछ अलग होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो सबसे पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ और उसके बाद बाकी सारे काम शुरू करती हूँ। तो आज मैं कैरेट फ्राई बना रही हूँ, एंड आदित्य और अभिषेक दोनों को कैरेट फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे लोग जो है कटर को ओनली प्याज काटने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी वेजिटेबल्स नहीं काटते हैं। तो यू कैन कट ऑल सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन दिस कटर जो साइड में दिख रहा है आपको, लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पे मैंने एक टाल रख रखा है किचन का, उसके ऊपर काट के डाल दिया और वो डस्टबिन में डाल दिया। एंड जब आप कैरेट को काटे तो उसको राउंड राउंड करके काट दें, ऐसा नहीं है कि बीच में से चीर के ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पीसेस जो है राउंड काट दीजिए। तो देखिए मैंने अभी तक टुकड़े काटे नहीं है, लेकिन मैंने तवा रख दी, आई मीन जो पैन है वो गैस पर चढ़ा दिया है और सिम में रखा है, क्योंकि जब तक वो तेल गर्म होगा मेरे जो ये चीज़ें हैं वो भी कट जाएगी। कितनी अच्छी तरह पीसेस हो चुके हैं। एंड नाउ सबसे पहले आपको डाल देनी है हरी मिर्च, एंड उसके बाद कटे हुए कैरेट। तो कटे हुए कैरेट का कलर जो होता है आपको किसी और वेजिटेबल नहीं में नहीं मिलेगा, ये ऑरेंजिश कलर कितना अच्छा लगता है। सो कैरेट फ्राई बनाते टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा बाद में ही डालें, जब तक
कि आपके कैरेट पूरे फ्राई नहीं हो जाए तब तक आप कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं करें, क्योंकि अगर आप पहले ही डाल देंगे तो वो उसके अंदर घुसेंगे नहीं। तो मेन पॉइंट ये है कि पहले कैरेट को थोड़ा सॉफ्ट होने देना है। एंड नाउ आपके लिए एक टिप है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोगों के घर में रोज़ दाल तो बनती होगी एंड उसमें थोड़ी बहुत कभी कभी बच भी जाती होगी, तो जो बच जाती है आप उसको सेपरेटली फ्रिज में रखें, बाद में खाने से अच्छा आप जो फ्रेश दाल बना रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं। एंड देन योर प्रीवियस दाल विल ऑल्सो बिकम फ्रेश, एंड इस तरह से आप जो है खाने को भी वेस्ट नहीं करेंगे। एंड गुड टिप ना, अच्छी टिप है, तो यू कैन यूज़ इट। तो कल मैंने दाल एंड टमाटो दाल बनाई थी, थोड़ी सी वो बची वो मैंने इसमें ऐड कर दी। एंड हरर दाल जो मैंने है धो ली अच्छी तरह, इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब देखिए दाल की वजह से ऑलरेडी इसमें येलोइश कलर आ चुका है बिना हल्दी डाले, बट यू हैव टू ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो आप रेगुलरली ऐड करते ही है। तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ और साथ साथ साइड में कैरेट को भी देखते रह रही हूँ। कैरेट को फ्रीक्वेंटली आपको मिक्स करते रहना है, वरना वो इतने जल्दी पक जाते हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर जो है अंबाड़े जो कल मैंने सॉर्ट करके रखे थे, मतलब इस व्लॉग में तो आप अभी देख रहे हो एक ही व्लॉग में, लेकिन कल मैंने सॉर्ट करके रखे थे, इसलिए सुबह के टाइम पे जब खाना बनाना होता है तो इट बिकम्स लिटिल ईजियर टू यू नो डू थिंग्स। तो अंबाड़ी की सब्ज़ी को पहले मैंने नॉर्मल इस नेट वाली टोकरी में धो लिया और पानी में डुबा रही हूँ। पत्ते वाली सब्ज़ी कभी भी आप जो है पानी में डिप करने के बाद ही किसी में डालें, क्योंकि जब पानी में फ्लोट करते हैं पत्ते वाली सब्ज़ी तब उसमें से जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाती है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली उसको कुकर में ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बर्तन है एक्स्ट्रा जो बिल्कुल गंदे नहीं होते जैसे वो वाले, मैं तुरंत धो के साइड में बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि वो कुछ गंदे नहीं हुए, बस जैसे पानी में डाल के पत्ते धोए हैं। तो यू डोंट नीड टू वॉश इट विद सोप एंड ऑल, जस्ट अंडर वाटर आप एक वॉश दे देंगे तो काफ़ी है। एंड अभी मैं कुकर में दाल में नमक मिर्ची एंड हल्दी डाल रही हूँ, एंड उसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक टमाटर एंड एक प्याज। तो पिछली बार आपने अगर नोटिस किया हो मैंने अंबाड़े वाली दाल में इमली डाली थी, आज मैं टमाटर डाल रही हूँ इसलिए इमली नहीं डालूँगी मैं। सो आप एक खाने को बहुत वैरायटी से बना सकते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि एक तरीके से बनाएंगे तभी टेस्ट आएगा, एंड ऐसा है तो आप डिफरेंट स्टाइल में हमेशा ट्राई करके देखिए, यू विल फील अ चेंज इन द टेस्ट। तो थोड़ा बहुत चेंज भी किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को जो है नॉर्मल रेगुलर वाला पसंद आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम से आपको ट्राई करते रहना चाहिए। एंड इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल ताकि जब सीटी आए पानी ना निकले। तो अभी मैं जो है कुकर उस पर रख दे रही हूँ एंड इसका कैप लगाना है। नाउ अनदर टिप ऑफ द डे, दो दो टिप हो गए। तो मैं जब ये ढक्कन लगाने लगी तो इसका हैंडल थोड़ा सा धीरा मतलब लूज़ दिख रहा था, तो अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन एक दो दिन में क्या होगा वो पूरा ढीला होकर नट गिर जाएगा, फिर नट नहीं मिलेगा और हैंडल निकल जाएगा। इसलिए मैं अपने किचन में एक स्क्रू ड्राइवर सा रखती हूँ टेस्टर टाइप का, इससे जो है जो भी हैंडल्स जब लूज़ होते हैं मैं तुरंत टाइट कर देती हूँ, इसलिए सारे हैंडल्स मेरे सही सलामत है। एक हैंडल इससे पहले जो जिसमें मैंने अंबाड़े के सब जो पत्ते थे वो धोए थे वो गिर के उसका हैंडल टूट गया, अदरवाइज़ जो भी स्क्रू मॉडल होता है मैं हमेशा यूज़ करने से पहले देखती हूँ और उसको टाइट कर लेती हूँ। तो आप भी अपने किचन में एक ऐसा टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर रख लें ताकि आपके हैंडल्स हमेशा सही सलामत रहें। तो अभी दाल में सब कुछ ऐड कर दिया है, अभी अच्छी तरह पक चुके हैं। यू कैन सी पहले बहुत ऑरेंज थे, अभी इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें नमक मिर्ची हल्दी ऐड करनी है और आप कुछ भी स्पाइसेस ना ऐड करें, प्लेन ही काफ़ी टेस्टी लगता है ये। थोड़ा सा ऑयल आप कंपैरेटिवली अगर 2 चम्मच डालते हैं तो 3 चम्मच डालें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही वो पूरा तेल जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड कैरेट में थोड़ा सा ऑयल रहता है तभी टेस्ट आता है, एंड स्पेशली फ्राइज में। तो यहाँ पे मेरा फ्राई भी बन चुका है एंड अभी आदित्य को जगाना है दूध के साथ। तो डेली सुबह सुबह मेरा पूरा खाना बनने के बाद दूध ग्लास में डाल के मैं उसको जगाती हूँ, वो पीने के बाद 10 मिनट और सोता है और फिर उठता है। तो
आदित्य को जो है इसके पापा नहला रहे, इसी दौरान जो है मैं उसके लिए टिफ़िन भी डाल रही हूँ। तो टिफ़िन में मैं डोसा डाल रही हूँ एंड उसके लिए छोटे छोटे डालती हूँ, क्योंकि वो सुबह के टाइम पे उठने के बाद, रहने होने के बाद खाने का मन नहीं करता उसको, तो बहुत ही थोड़ा सा खाता है, इसलिए मैंने दो डोसे डाले। लेकिन वो एक भी बड़ी मुश्किल से खाता है, बोलते नहीं खाना है सुबह। तो ये रेडिश कलर इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल का मैंने पीसा हुआ था, और टेस्ट में भी थोड़ा खट्टापन आता है जब ज़्यादा देर होता है, तो हमको ऐसा बहुत पसंद है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। तो सुबह हालत इतनी खस्ता होती है, क्योंकि नींद नींद में आके सब कुछ बनाते हैं। एंड आदित्य अभी जो है स्कूल जा चुका है, मेरे हाथ बेटर लग रहे हैं मेरे चेहरे से, तो क्योंकि अभी तक मुझे इतना पसीना आया, मैं पोंछ पोंछ के हालत ख़राब हो रखी है। तो जो डोसे की बात है, कुछ लोग होते हैं कि रेड कैसे आता है, उसमें आप थोड़े पोहे ऐड कर सकते हैं, प्लस फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर सकते हैं, मेथी दाना जो बोलते हैं उसको ऐड करेंगे, या तो जो पीसते टाइम जो पके हुए चावल होते हैं, जो चावल हम बनाते हैं उसको ऐड करेंगे। तो आप या तो पोहे ऐड करें या तो चावल ऐड करें, दोनों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऐड कर देंगे तो क्या है, फिर चिपक जाएंगे तवे पे, इसलिए कुछ एक ऐड करेंगे। और फेनुग्रीक सीड्स जो है पक्का ऐड करें, उससे जो है आपके डोसे का कलर भी चेंज होता है और क्रिस्पी भी आता है, टेस्ट भी बढ़ता है। तो यू कैन ट्राई दैट। एंड अभी अभिषेक स्कूल जा चुका है, जैसे कि वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल डे है जिसके लिए मुझे जाना है, एंड This is all happening because of YouTube. Many times I keep on thanking YouTube and myself that मेरे को thought आया कि मैं open करूँ channel, and कभी सोचा नहीं था कि इस type की growth होएगी या ये सब कुछ होगा। जब मैंने start किया था channel, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि क्या है, बस मेरे को तो था भाई अच्छा content डालना है, video डालना है, बस मेरे द्वारा लोग कुछ ना कुछ सीख पाए वो काफ़ी है बस। लेकिन इसके थ्रू इतना ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, इतना ज़्यादा नाम होगा, जो भी है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सो जब आप फल की चिंता बिना करे काम शुरू करते ना, देन यू विल डेफिनेटली गेट फल विदाउट नोइंग दैट। लेकिन जो रिज़ल्ट को सोच के ही हमको ये चाहिए इसीलिए हम ये करेंगे, तो ऐसी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं है। एंड बहुत लोग मुझे हर रोज़ इंस्टाग्राम पे भी DM आता है, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड लास्ट में भी एंड स्क्रीन में भी आपको दिखेगा कि कौन सा ID है, सो फॉलो कीजिए यार। एंड हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि दी हमारा चैनल ये है देख लो प्रमोट कर लो, प्लीज़ मेरे को आप प्रमोशन के लिए मत बोला कीजिए, क्योंकि प्रमोशन से कुछ नहीं होता है। जिस दिन यू विल अर्न समथिंग ऑन योर ओन ना, आपके कंटेंट के दम पे जब आप आगे निकलोगे ना, टुमारो यू विल बी प्राउडली सेइंग दिस कि मैंने ओनली अपने कंटेंट के ज़ोर पे जो है मैं आगे बढ़ी हूँ, किसी की हेल्प से नहीं। हेल्प लेना कोई पाप नहीं, ले सकते हैं, बट चैनल प्रमोशन आई डोंट थिंक कि किसी को चैनल प्रमोशन के लिए बोलना चाहिए। मेरा थॉट है ये, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो शायद सोचेंगे कि ये प्रमोट नहीं करना चाहते इसलिए शायद बोल रहे हैं, लेकिन प्रमोट क्यों करें बताओ? प्रमोट करने से अगर सबके चैनल भाग दौड़ पड़ते तब तो कोई मेहनत ही नहीं करता, कुछ भी अटरम सटरम डालता चैनल पे। तो प्लीज़ जो भी मुझे बोल रहे हैं या किसी और हर चैनल पे जाके, एक तो कमेंट सेक्शन में आके योर वीडियो इज़ वेरी नाइस, प्लीज़ सपोर्ट माई, आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, प्लीज़ यू ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल का अपने चैनल में नाम ले लो। कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में एवरी डे दे कॉमेंट दिस, कि ताकि जो कॉमेंट्स पढ़ रहे हैं बाकी लोग इन्फ्लुएंस होकर उनके चैनल को देख के उनको सब्सक्राइब करें। भाई जब आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, तब यूट्यूब के होम पेज में ही आपके वीडियो की रिकमेंडेशन आ जाएगी, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं व्यूज़ का क्या आने का तरीका है या कुछ कुछ भी है, देर इज़ नो तरीका, इट्स ओनली अबाउट द कंटेंट। योर कंटेंट इज़ किंग, बादशाह है कंटेंट। तो कंटेंट को इम्प्रूव करो, ट्राई टू, इट्स कंटेंट इन द सेंस कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉट यू आर शोइंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर टॉकिंग एंड वेदर इट इज़ इम्प्रेसिंग और अट्रैक्टिव एंड पीपल आर लाइकिंग और नॉट, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ अजीब तरह से बात कर रहे हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे, देन ऑल्सो दैट माइट नॉट वर्क। तो देर आर मैनी एस्पेक्ट्स विच यू हैव टू यू नो सी।
इसलिए जब आप किसी नोन यूट्यूबर का या किसी बहुत बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है उनके वीडियो में जो आपके वीडियो में नहीं है। अगर उनका वीडियोस इतने वायरल हो रहे हैं या वो बहुत फेमस है तो आप उनकी तरह एकदम फेमस होने का ये मत सोचिए, लेकिन हर एक चैनल में से आप थोड़े थोड़े टिप्स लीजिए कि ये चीज़ आप अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को अभी टाइम हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ एंड देन आई हैव टू गेट रेडी, सो दैट स्पेशल डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देर आर सम यू नो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं होने के बाद मैं रिवील करूँगी, जो भी है जब वो लोग बोलेंगे रिवील करने के लिए तब मैं वो रिवील करूँगी। सो इसलिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, रूटीन मॉर्निंग रूटीन इवनिंग रूटीन जो भी रूटीन से अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक चिपकाइए। एंड लाइक चिपकाने का तो मैं पूछ सकती हूँ है ना क्योंकि वीडियो मैं बना रही हूँ, तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो पक्का लाइक कर दीजिए प्लीज़ 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 हाँ। एंड शेयर कीजिए ताकि जो भी मैंने इसमें कुछ काम आने वाली चीज़ें बताई हैं ताकि वो दूसरे लोग भी देखेंगे तो उनको भी काम आएगी। एंड सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के ऑल ऑप्शन के साथ। चलिए मैं लेट हो रही हूँ अभी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय चिपकू।